ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं योगेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो किंग पे। आज की वीडियो में बात करेंगे, यदि आपकी कुंडली में राहु लगन में है यानी कि खंड नंबर 1 में है तो क्या इसके पॉजिटिव और क्या इसके नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, साथ ही साथ इनकी रेमेडीज के बारे में जानेंगे। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यानी कि पिछली वीडियो मैंने लाल किताब की सूत्र के बारे में बताया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, सो जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं राहु लगन में। जिनका भी राहु खंड नंबर 1 में है, दौलत मंदी की निशानी होगी, खर्चा ज़्यादा होगा पर नेक होगा, यानी कि ये दौलत मंदी की निशानी है। ऐसे व्यक्ति का खर्चा बहुत होगा पर वो नेक होगा, मंदा खर्चा नहीं होगा। राहु 1 के लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडी लाल किताब में कही गई है, बिल्ली की जेर को नारंगी कपड़े में बांधकर कहीं भी अपने सेफ में रखें। राहु 1 के समय सूर्य की चीज़ों का दान नेक और मददगार होगा। राहु 1 के समय शुक्र साथ में हो, व्यक्ति धनी हो लेकिन औरत की सेहत खराब होगी, यानी कि राहु 1 के समय अगर शुक्र साथ है, व्यक्ति धनी हो लेकिन औरत की सेहत निकम्मी होगी। राहु 1 के समय मंगल 12 में हो, राहु केतु दोनों चुप हो जाएंगे। जब भी राहु लगन में है, खाना नंबर 12 राहु की बैठक है, अगर वहाँ पे मंगल आ जाते हैं तो राहु यहाँ पर चुप हो जाएंगे, राहु अपने मंदे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। वैसे भी जब भी कुंडली में राहु का उपाय किया जाता है तो मंगल के थ्रू किया जाता है, या तो मंगल से शांत किया जाता है, रेमेडी हमेशा मंगल से की जाती है। राहु 1 के समय सूर्य जिस घर में हो उस घर में ग्रहण होगा, यानी कि राहु 1 के समय सूर्य जिस भी घर में हो उस घर को ग्रहण होगा, सूर्य को ग्रहण नहीं होगा। अब बात करते हैं राहु 1 के समय सूर्य 1 से 12 घरों में हो तो क्या इसके रिजल्ट होते हैं। राहु 1 में हो, सूर्य भी 1 में हो, यानी कि राहु और सूर्य खंड नंबर 1 में हो तो सरकारी दिक्कतें आएंगी ऐसे व्यक्ति को, सूर्य इनका खराब होगा, पिता दुखी होंगे और बहुत ही मेहनती होंगे। राहु 1 के समय सूर्य खंड नंबर 2 में हो, व्यक्ति धर्म के विरुद्ध होगा, ससुराल से रिश्ता मंदा होगा। राहु 1 के समय सूर्य खंड नंबर 3 में हो, भाइयों पर मुसीबत आएगी। राहु 1 के समय सूर्य खंड नंबर 4 में हो तो माता खानदान आमदन में रुकावट या तरक्की में रुकावट, यानी कि माता खानदान की आमदन में रुकावट या इनकी तरक्की में रुकावट। राहु 1 के समय सूर्य 5 में हो तो ऐसा व्यक्ति निसंतान नहीं होगा, ऐसा कहा जाता लाल किताब में। जब भी राहु 1 में हो तो सूर्य अपने खाना नंबर 5 में यानी कि अपने घर में आ जाए तो यहाँ पर सूर्य काफ़ी हद तक अच्छा है, तो यहाँ पर राहु सूर्य की मदद करेगा, ऐसे में ऐसे व्यक्ति के औलाद यानी कि बेटा ज़रूर होगा। राहु 1 के समय यदि सूर्य खाना नंबर 6 में हो तो लड़के या लड़की यानी कि जो भी है लड़के या लड़की के ससुराल वालों से नहीं बनेगी। राहु 1 के समय सूर्य 7 में हो, अदालत कारोबार में यानी कि अदालती कारोबार में फंसा रहेगा, सरकार से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि कोई अदालती मुकदमे में ही फंसा रहेगा, सरकार से कोई ना कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। राहु 1 के समय सूर्य खंड नंबर 8 में हो, बिना वजह का खर्चा होगा, ये कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, या ऐसे में पाइल्स भी देखी गई है ऐसे लोगों को। राहु 1 के समय सूर्य खंड नंबर 9 में हो तो धर्म से हीन होगा, ऐसा व्यक्ति धर्महीन होगा, और घर में मंदिर को हटाकर यानी कि घर में जो भी धार्मिक स्थान है मंदिर को हटाकर नॉवेल्स की लाइब्रेरी बना देता है ऐसा इंसान, यानी कि अपनी बुक्स रखने की जगह बना देता है। राहु 1 के समय सूर्य खंड नंबर 10 में हो दुनियावी एतबारी होगी। राहु 1 के समय सूर्य खंड नंबर 11 में हो कुंडली वाला अभिमानी होगा, इनकम सोर्स खराब होगा, अदालती झगड़े होंगे इनके। राहु 1 के समय सूर्य 12 में हो तो रात को सोने के वक्त इनके कोई ना कोई पंगे खड़े होंगे। जब भी राहु 1 में हो सूर्य 12 में हो तो रात के सोने के वक्त कोई ना कोई पंगे खड़े होंगे। राहु 1 में हो और सूर्य भी 1 में हो तो कारोबार में जितनी अड़चनें आएंगी वहमी होने के कारण आएंगी, ऐसा व्यक्ति थोड़ा भ्रमी भी होता है। वैसे भी लगन में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा इल्यूजन में रहता है, ऐसे व्यक्ति चालाक भी बहुत होते हैं, ऐसे व्यक्ति किसी से भी काम निकलवाना जानते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग मनी माइंडेड भी बहुत होते हैं। अब बात करते हैं राहु 1 के बारे में डिटेल में। राहु 1 के समय मंदी हालत,
अंधी यानी कि आंधी और बारिश होगी जन्म के समय, यानी कि जिनका भी राहु लग्न में है ऐसे व्यक्ति के जन्म के समय आंधी बारिश जरूर होगी, अगर नहीं हुई तो जिंदगी में तूफान आएगा। राहु एक के समय राहु की चीजें 41 साल तक राहु के रिश्तेदारों कारोबारों पर मंदा असर करेंगी, यानी कि राहु जब भी लग्न में है तो 41 या 42 साल की उम्र तक व्यक्ति थोड़े लाइफ में अप एंड डाउन को फेस करता है, यानी कि कभी तो शाह कभी मलंग, यानी कि कभी टाइम बहुत अच्छा कभी बहुत डाउनफॉल, ऐसा चलता है इनका। राहु लगन में हो चोर या चोरी करवाने वाला, यानी कि नियत खराब होगी। राहु एक के समय कुंडली वाले की उम्र 11 21 या 22, ये व्यक्ति पिता की उम्र के लिए शक्की होगा। यहाँ पर एक रेमेडी भी है राहु एक के लिए, यानी कि जिनका भी लगन में राहु है, राहु लगन के राहु को अच्छा करना तो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, तांबे के लोटे में गेहूं और जौ भरकर इसको धर्मस्थान में दान करें, यानी कि रविवार के दिन संडे के दिन, इससे आपका राहु कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव रहेगा और ये बहुत ही सबसे बेस्ट और सबसे कारगर रेमेडी है राहु लगन के लिए। राहु एक के समय तब्दीली अवश्य होगी व्यक्ति की। राहु एक में हो सूर्य को ग्रहण नहीं लगेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया सूर्य बैठे घर को ग्रहण लगेगा। राहु एक के समय सूर्य बुध कहीं भी कंजक्शन हो, यानी कि कहीं भी इकट्ठे हो या तीन में हो तो कुंडली में ग्रहण होगा, सूर्य को भी होगा। राहु एक के समय मंदी हालत या कोई खराबी हो तो कोई भी व्यक्ति इसकी सहायता नहीं करेगा। राहु एक के समय यदि कोई मंदी हालत हो या कोई खराबी हो तो कोई भी व्यक्ति इनकी सहायता नहीं करेगा। राहु एक के समय शादी के वक्त शनि या राहु से संबंधित सामान का कोई वहम नहीं, लेकिन शादी के बाद राहु का सामान ससुराल वालों से बिल्कुल ना ले। वैसे भी राहु एक वालों को ससुराल वालों से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम टीवी या फ्रिज वगैरह कुछ भी इनको नहीं लेना चाहिए, उनको अवॉइड करें तो अच्छा है। राहु एक के समय राहु का मंदा जमाना 2 साल 2 महीने तक रहेगा। राहु एक के समय सूर्य एक में हो चंद्र केतु इकट्ठे हो, जो भी खराबियां होगी दिमाग की वजह से होगी, मुसीबत में अपनी सोच के कारण पड़ेगा। राहु एक के समय सूर्य जिस घर में हो उस घर से संबंधित व्यक्ति को परेशानियां आएंगी, यानी कि एग्जांपल के लिए राहु एक में हो या सूर्य फिफ्थ में हो कहीं ना कहीं पेट की खराबियां या उस घर से संबंधित, या आपको पढ़ाई में ऑब्स्टेकल आना, पढ़ाई में रुकावट आना अचानक, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। राहु एक में हो सूर्य और चंद्र की मदद से उपाय होगा। जब भी राहु लग्न में हो सूर्य और चंद्र की मदद से उपाय होगा। सूर्य गुड़ यानी कि सूर्य और चंद्र की चीज़ें यानी कि चावल चांदी या दूध, यानी कि इन सब चीज़ों का दान करते रहें, राहु लगन के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। साथ ही साथ जब भी राहु लगन में है, जो आपको अब सारी रेमेडीज बता रहा हूँ जो भी आपको रेमेडीज करनी है, और ये आप रेमेडी नोट डाउन करते रहिए, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। साथ ही साथ ये रेमेडी वर्षफल के लिए भी होगी, यानी कि जब भी वर्षफल में राहु लगन में हो तब भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि तांबे के लोटे में गेहूं और जौ भरकर, यानी कि तांबे के लोटे में गेहूं और जौ भरकर इसको मंदिर में, यानी कि रविवार के दिन धर्मस्थान में दान करें, इससे राहु के रिजल्ट अच्छे होंगे। या हर रविवार के रविवार गुड़ का दान, चांदी चावल या चावल चांदी या दूध का दान, इन सब चीज़ों का दान करते रहें, इनसे भी राहु के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको। क्योंकि राहु को शांत करने के लिए मंगल की सपोर्ट मिली जाती है, या तो आप गले में चांदी की चैन में एक चौकोर टुकड़ा यानी कि स्क्वायर पीस का एक टुकड़ा जो कि नेक मंगल की निशानी है, इसको भी गले में पहन सकते हैं, या सफ़ेद धागे में भी पहन सकते हैं, इसको लाल धागे में पहन सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोग मेरे से कंसल्टेशन चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सो जाइए उस नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।